गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1। स्टूडेंट, कल हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 कर लिए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये लाइन एल है स्टूडेंट, और ये जो एंगल ए है इसका बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर मीन्स, कई बार ये वर्ड आ चुका है स्टूडेंट, लाइन एल इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑफ एन एंगल ए, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल पर बी कोई पॉइंट है ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स। ये बी पी भी परपेंडिकुलर है बी क्यू टू द आर्म्स, perpendicular from B to the arms of angle A. Show that center में दिखाना है triangle APB, APB congruent AQB, AQB. और हमारे पास जो अभी तक criteria जो available है वो है AS angle side angle, या तो फिर SAS side angle side. तो देख लेते हैं स्टूडेंट एक बार हम क्या कर सकते हैं और क्या प्रूव करना है। BP इक्वल टू BQ, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BP इक्वल टू BQ तो खुद ही हो जाएगा। तो फिलहाल हम करने वाले हैं APB, APB कॉन्ग्रुएंट AQB। क्या क्या हमारे पास है, ये कॉमन है, ये 90 है, और ये इक्वल है। बट क्योंकि ये साइड साइड अगर हमने ए एस से लगाना था तो ये साइड इक्वल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट पहले हमें ये एंगल दिखाना पड़ेगा, इक्वल ये एंगल दिखाने के बाद हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये कॉमन साइड है, तो यहाँ ए एस से अप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, अगर हम ये एंगल इक्वल कर लें तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, और ये एंगल हो जाएगा, तो इसमें ए एस ए प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम। गिवन गिवन हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ, इसे स्टूडेंट में एंगल एक्स ले लिया हूँ, इसे वाई, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। और क्या हमें पता है बीपी परपेंडिकुलर एपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर एक्यू। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड लिखने का मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट आप, ये फर्स्ट ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट एक्यूबी और सेकंड ये बीबी इक्वल टू बीपी, ये प्रूव करना है। इन ट्रायंगल एबीक्यू, एबीक्यू, एबीक्यू वाई प्लस ये कितना स्टूडेंट 90 है, इसे आप 1 लिख लो, इसे 1 लिख लो और इसे 2 लिख लो। y plus 90 plus 2 180, ASP 1, in triangle APB, APB में क्या है सुन देखिए, x plus 1 plus 90, x plus 90 plus 1 equal to 180, equation number 2, subtract कर दीजिए, minus minus minus, send x equal to y, इसलिए ये से cancel out हो गया, 90 equal to 90, ये से cancel out हो गया, ये से cancel out हो गया, 2 minus 1 equal to 0, angle 2 equal to 1, तो ये जो 2 है ये 1 के इक्वल आ गया स्टूडेंट, ये हमने प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट जो हमें
जिन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है अब उन्हीं में वर्क शुरू करेंगे स्टूडेंट। नाउ ट्राइंगल एपीबी, एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी, एक्यूबी, एपीबी एंड एक्यूबी। देखिएगा स्टूडेंट क्या करें इसमें, ए बी इक्वल टू, या तो ये कहिए एक्स एंगल एक्स इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। ये क्या है स्टूडेंट, गिवन है एक्स वाई। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, ये पी ए बी लिखा जाता, क्यू ए बी लिखा जाता, मैंने बस उनके जगह एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर लिया। पी ए बी को एक्स रिप्रेजेंट कर लिया, क्यू ए बी को वाई रिप्रेजेंट कर लिया, इसी तरह से पी बी ए को वन रिप्रेजेंट कर लिया और ए क्यू बी को टू रिप्रेजेंट कर लिया। तो एक्स इक्वल टू वाई ये गिवन है, मतलब ये एंगल इसके गिवन है। और एंगल वन इक्वल टू एंगल टू ये क्या किया स्टूडेंट, हमने प्रूव किया। तो वन इक्वल टू टू हो गया स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या स्टूडेंट कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी या जिस तरह भी होगा ए पी बी ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस जिन ट्राइंगल्स में हमने शुरू किया है ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी कॉन्ग्रेंट वर्ड ट्राइंगल ए क्यू बी के, ए क्यू बी के। देख लीजिए स्टूडेंट क्यों, क्यों हुआ स्टूडेंट, ये x इक्वल टू वाई है, ये एंगल इसके वन इक्वल टू के, और ए बी इसमें कॉमन साइड है स्टूडेंट। तो कौन से क्राइटेरिया से y है, कौन से क्राइटेरिया अप्लाई हुआ स्टूडेंट, ए एस ए एंगल साइड एंगल। तो एक तो हमें ये प्रूव करना था, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है स्टूडेंट। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट प्रूव होने के बाद में आपको ये प्रूव करना है कि बी पी इक्वल टू बी क्यू है, बी पी इक्वल टू बी क्यू। देखिए स्टूडेंट क्या बी पी इक्वल टू बी क्यू है, बिल्कुल स्टूडेंट। These are corresponding sides of triangle APB and AQB. PB equal to BQ by CPCT. तो ये स्टैंड आपको प्रूव करना था, ये आपका हो जाता है। तो स्टैंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इन फिगर, AC equal to AE. AC equal to AE हमें पता है, AB equal to AD हमें पता है, और BAD ये वाला जो एंगल है ये वाला इसके इक्वल है। सेंट ये वाला एंगल मैं मान ले रहा हूँ X, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो बीच वाला एंगल है मैं इसे क्या मान ले रहा हूँ, X डिग्री, या तो यहाँ लिख देता हूँ, लिख दे रहा हूँ ये बीच वाला एंगल स्टूडेंट हमने X ले लिया। तो गिवन सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, तो क्या क्या हमें पता है स्टूडेंट, ए सी इक्वल टू ए, ए सी इक्वल टू ए, ए बी इक्वल टू ए डी एंगल, इसे भी कुछ ले लीजिए इसे वन और टू ले लीजिए, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, इस तरह से हम लेट करते हैं ना स्टूडेंट, तो थोड़ा सा लिखने में हमें अच्छा लगता है और इजी तो हमें फील होता है स्टूडेंट। तो देखिए ये बी ए डी को हमने वन ले लिया और सी ए ई को टू ले लिया, वन इक्वल टू टू। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है स्टूडेंट शो दैट बी सी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू डी हमें प्रूव करना है। तो करते हैं स्टूडेंट प्रूफ में, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको दो ट्राइंगल बनाने अलग अलग, एक तो बना लो ए बी सी, ए बी सी, और स्टूडेंट दूसरा ट्राइंगल होगा आपका ये, यहां से यहां मिला लीजिए, ए डी सी, ए डी सी, और जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास में वो लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू ए डी है, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी है, और ए डी इक्वल टू ए ही है, यहाँ ई होना चाहिए।
ई, ए इज इक्वल टू ए है। तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स। देखिए अब क्या करने वाले हैं हम, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एंगल बीएडी कह लीजिए या वन कह लीजिए। चलिए स्टूडेंट में से वन इक्वल टू टू ये है, ये स्टूडेंट हमें पता है वन इक्वल टू टू। एड एक्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में एक्स एड कर लो स्टूडेंट, वन प्लस एक्स इक्वल टू टू प्लस एक्स। देखेगा ध्यान से, वन वन प्लस एक्स, वन में एक्स का एड करोगे तो ये हो गया आपका बी ए सी, बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल, और देखिए ध्यान से स्टूडेंट, टू में एक्स एड करोगे तो ये हो गया पूरा डी ए सी, डी ए ई, डी ए ई एंगल डी ए ई। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ए डी ई एंड ट्रायंगल ए डी ई, तो ए बी सी में और ए डी ई में हम वर्क करने जा रहे हैं। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये तो गिवन है स्टूडेंट। और एंगल बी ए सी, बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, डी ए ई ये स्टूडेंट हमने प्रूव किया है अभी, यहां देखिए ये प्रूव किया अभी हमने, और ये वाला बी ए सी इक्वल टू डी ए, बी ए सी इक्वल टू डी ए ये प्रूव किया है। और क्या स्टूडेंट, ए सी इक्वल टू, ए सी इक्वल टू ए ई है, ए सी इक्वल टू ए ई, और ये भी हमें गिवन है। जी का मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट गिवन, गिवन और ये प्रूव किया है। सो ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट ट्राइंगल ए डी ई के, ए डी ई बाय ए एस ए एंगल साइड एंगल से। देखिएगा स्टूडेंट जो हमें प्रूव करना था बी सी इक्वल टू बी, देख लीजिए क्या वो क्रॉस कॉरेस्पोंडेंसी बन गया उसमें, बी सी इक्वल टू बी बिल्कुल बन गया स्टूडेंट। आप देख सकते हैं देयरफॉर बी सी इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी। ओके स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है, नहीं नहीं अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, आप क्या करेंगे और वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट है ये वाला, एंड पी इज इट्स मिड, पी इज इट्स मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट है इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल है। ओके स्टूडेंट और बढ़ते हैं आगे, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, डी और ई, डी बी और ए बी ऑन द सेम साइड, ए बी के सेम साइड में कोई टू पॉइंट्स साइड्स ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी, कौन से वाला स्टूडेंट बी ए डी, ये वाला जो एंगल है ये वाला बी ए डी इक्वल टू ए बी, ए बी ई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, देख लीजिए स्टूडेंट ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, बी ए डी इक्वल टू ए बी ई। और सेकंड ई पी ए, ई पी ए ये वाला एंगल स्टूडेंट, ई पी ए ये वाला एंगल, डी पी बी, डी पी बी, डी पी बी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है। और क्या हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, शो दैट डी ए पी, डी ए पी ये वाला जो ट्राइंगल ये वाला पूरा ये वाला डी ए पी इक्वल टू ई बी पी, ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, उसके बाद में ए डी इक्वल टू बी ए। तो स्टेप आपको करना क्या है, यहाँ से
टू ये वाला जो है ये वाला पार्ट ये एंगल का एक्स आप ले लें कोएफिशिएंट और ट्रायंगल अलग निकाल लें ए पी डी ये जो डी पी ए जिसे कह रहे हैं डी पी ए ये अलग निकाल लीजिए ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये ईपीबी तो करते हैं स्टूडेंट गिवन एपी इक्वल टू पीबी ये एपी इक्वल टू पीबी डायरेक्टली नहीं कह रहा है ये कह रहा है पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी तो ए बी इक्वल टू पी बी आप लिख लीजिए एंगल बी ए डी बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी पी और क्या कहा गया स्टूडेंट एंगल ई पी ए इक्वल एंगल डी पी बी तो देखिएगा टू प्रूव फर्स्ट और सेकंड में लिख रहा हूँ स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड मतलब एक तो हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है और ये प्रूव करना है ओके स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे प्रूफ में क्या करेंगे आप देखिए सबसे पहले ये वाला एंगल आप लिख लीजिए बिकॉज ई पी ए इक्वल टू डी पी बी DPB ये स्टैंड हमें गिवन है अब देखिए ध्यान से स्टैंड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हमने x ऐड कर लो दोनों साइड ऐड x डिग्री ऑन बोथ द साइड्स दोनों साइड में ऐड करोगे एंगल EPA EP plus X equal to angle DPB plus X तो EPA plus X जान लो देखिए EPA plus X तो ये बन गया सिर्फ APD angle APD और DPB plus X ये बन गया BPE ये पूरा एंगल बन गया सिर्फ BPE तो बढ़ते स्टूडेंट अब क्योंकि इन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इनमें वर्क शुरू करते स्टूडेंट नाउ इन ट्रायंगल एपीडी एपीडी एंड ट्रायंगल ईपीबी या इस तरह से कहिए स्टूडेंट डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी EBP, DAP, DAP and EBP. Okay, so देखिएगा. Angle DAP ये दिया हुआ है स्टूडेंट. B और BAD
ये वाला ईपीए ईपीए डीएपी डीएपी एक ही बात है सिर्फ बीएडी कह लीजिए या डीएपी कह लीजिए। अच्छा ये यहां से था, इसमें छोटा सा और कर लें, एंगल बी ए डी, बी ए डी को क्या कह सकते हैं सर, देखिए ध्यान से, बी ए डी, बी ए डी को आप पी ए डी कह लो, पी ए डी एंड एंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई को क्या कह लो स्टैंड, ए बी ई, ध्यान से देखिए पी बी ई कह लीजिए, एंगल पी बी ई, बट एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए बी ई के, तो क्या कह सकते हैं स्टैंड, ये बी ए डी ए बी ई के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं पी ए डी इक्वल हुआ एंगल पी बी ई के। अब लेते हैं स्टैंड, नाउ इन ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी एंड ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी ई, बी इसके अकॉर्डिंग लेंगे स्टैंड, डी ए पी, डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। अच्छा स्टैंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि हमें बाद में यही कॉन्ग्रुएंट लिखना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम चल के देख लें। तो देखिएगा स्टैंड, डी ए पी और ई बी पी, डी ए पी एंड ई बी पी, देखिएगा इसमें आपने ये अभी प्रूव किया है कि पी ए डी, पी ए डी, पी ए डी ये वाला जो एंगल है पी ए डी किसके इक्वल है स्टैंड, पी ए डी इक्वल टू पी बी ई, पी ए डी इक्वल टू पी बी ई, इक्वल टू पी बी ई, तो ये स्टैंड गिवन है। आप कहोगे कौन गिवन है, यहां तो ये गिवन है, तो स्टैंड ये जो है बी ए डी, बस हमने यही तो किया, यही तो किया है, बी ए डी को, बी ए डी को पी ए डी तो लिखा है, स्टैंड एंगल तो वही है ना, तो गिवन है ऑलरेडी, ए पी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है स्टैंड, सॉरी ए पी इक्वल टू पी बी, पी बी ये भी गिवन है, और स्टैंड और क्या, ए पी डी ये आपने यहां किया तो एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई, ए पी डी इक्वल टू बी पी ई, बी पी ई ये आपने प्रूव किया सर, तो ये एंगल इसके इक्वल एंगल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इक्वल, तो आप इसे कमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी पी ए, ट्रायंगल डी जिसने आपको लिया था डी ए पी, डी ए पी और ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हुआ स्टैंड, डी ए पी, डी ए पी ई बी ए, ई बी पी के, ई बी पी बाय ए एस ए एंगल एंगल से। ओके स्टैंड, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ए बी सी राइट एंगल है और सी एंगल जो है वो राइट एंगल है, यानी ये वाला एंगल है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला जो सेगमेंट है बी एम इक्वल टू एम, ये गिवन हम लिखते चलेंगे स्टूडेंट, गिवन
एंगल एसीबी, एसीबी इक्वल टू 90 डिग्री, बीएम इक्वल टू एएम, बीएम इक्वल टू एएम, और क्या है स्टूडेंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज एबी, एम एबी का मिड पॉइंट है, सी इज जॉइंट टू एम, सी को एम से मिला दिया गया है एंड प्रोड्यूस टू अपॉन डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, और ये भी इक्वल है डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम, ये भी इक्वल है, पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, शो दैट, और डी को बी से मिला गया और ये प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ पार्ट प्रूव कर दिया स्टूडेंट, मैंने पूरे पार्ट लिखे बस ये लिख दिया जो प्रूफ, तो करिए स्टूडेंट प्रूफ में देखिए क्या करें, इन दो ट्राइंगल में वर्क कर लीजिए, पहले स्टूडेंट जो जिन्हें आपको कॉम्पोनेंट प्रूव करना है वो है ए एम सी, ए एम सी इन ट्राइंगल, ए एम सी इन ट्राइंगल बी एम डी, बी एम डी, ओके स्टूडेंट, यहाँ मैं थोड़ा सा स्टूडेंट कुछ सिंबल मान लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाए, चलो अभी नहीं मानते हैं, अभी करिए, ए एम सी इक्वल टू बी एम डी, तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं एंगल ए एम सी, ए एम सी इक्वल होगा एंगल ए एम सी डी एम बी के या बी एम डी के, कह लीजिए बी एम डी के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा था ना स्टूडेंट आपने, इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, ठीक है, और एम बी इक्वल हुआ इक्वल है एम ए के, ये गिवन है, और क्या है स्टूडेंट, एम सी इक्वल टू एम डी है, या तो ये कहिए डी एम इक्वल टू एम सी है, ये डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम, और ये भी गिवन है, सो ट्राइंगल ए एम सी, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी एम डी के, बी एम, अच्छा स्टूडेंट एक बात ध्यान देने की है और आपको इस विषय में सोचना जरूर चाहिए, देखिए स्टूडेंट क्या मैं आपको तो आपका ध्यान कहाँ मैं आपका अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, मैं कहना चाहता हूँ कि ट्राइंगल ए एम सी को हमने बी एम डी के को लिखा, ए एम सी को, ए एम सी को बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट लिखा है, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या, ये मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट इक्वल हुए, तो क्या क्या हम ऐसे लिख सकते थे कि ट्राइंगल ए एम सी, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी एम बी, ऐसे लिख सकते थे क्या स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब लिख लिया हमने, सोच लो कि हम ऐसे लिख सकते थे और हमने लिख भी लिया है, अब हम इसे स्टूडेंट चेक करें कि क्या ये हमने ठीक लिखा है, देखिए चेक करने का तरीका है कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, ए एम इक्वल टू डी एम के इक्वल होना चाहिए, देखिए क्या ए एम डी एम के इक्वल है, ए एम तो बी एम के इक्वल है स्टूडेंट, तो ये तो यही फर्स्ट पॉइंट पे गलत साबित हो गया, पर यहां देखिएगा क्या ए एम बी एम के इक्वल है, ए एम बी एम के जी, क्या एम सी एम डी के इक्वल है जी, क्या एंगल ए बी के इक्वल है, इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, क्या एम एम के इक्वल है, क्या सी, तो एंगल कौन सा इक्वल है स्टूडेंट हमारे पास, ये वाला वर्टिकल या अपोजिट, यानी एम, ए एम सी इक्वल टू डी बी एम डी, ए एम सी बी एम डी, बिल्कुल स्टूडेंट, तो ये वाला ठीक है, इस तरह से हम नहीं लिख सकते, अगर भूल से आपसे गलती लिखा जाए तो आप करस्पॉन्डेंसी चेक करके आपसे देख सकते हो, तो करस्पॉन्डेंसी चेक कर लीजिए और फिर उसे देखे कि आपने ठीक लिखा, तो ये आपका हुआ है
एस ए एस कौन से क्राइटेरिया से वॉइस फ्रेंड? एस ए एस क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से ये आपका हुआ है और ये आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है स्टूडेंट, फर्स्ट वाला। चलिए स्टूडेंट सेकंड देखते हैं। डीबीसी इज अ राइट एंगल, तो डीबीसी को क्या करना है स्टूडेंट? राइट एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, ए बी के इक्वल है, एंगल जो ए है वो बी के इक्वल, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है और एम ये तो इसके इक्वल है और सी डी के इक्वल है, सी अगर ये वाई ले रहे हम तो ये भी वाई है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा करने से क्या होता है स्टूडेंट, लेट करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ये एंगल इसके इक्वल है स्टूडेंट, ये इसके इक्वल है, इसे स्टूडेंट मैं मान ले रहा हूँ वन, ठीक है इसे मान ले रहा हूँ वन। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी एंगल एक्स प्लस वन प्लस 90 इक्वल टू 180, ये क्या है सर ए एस पी है, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू 180 माइनस 90 डबल जी 90 एंगल एक्स प्लस वन इक्वल टू 90। एक्स प्लस वन का जो सम है सर वो 90 आ रहा है और ये भी तो एक्स प्लस वन ही है सर, एक्स प्लस वन, देयरफॉर एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, और क्या कोई और भी तरीका हो सकता था स्टूडेंट? बिल्कुल हो सकता था, ये एंगल इसके है इक्वल बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ए सी पैरेलल डी बी, और जब ए सी पैरेलल डी बी हो गया तो ये वाला एंगल खुद ही इसके इक्वल हो जाता 90 डिग्री, है ना स्टूडेंट। तो डी बी सी कितना हुआ स्टूडेंट 90 डिग्री। और एक हम जो नेक्स्ट डी बी सी और ए सी बी में करने जा रहे हैं, डी बी सी और ए सी बी में करने जा रहे हैं, उसमें हमें ए सी और डी बी इक्वल चाहिए था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू डी बी बाय सी पी सी टी। देखिए सर क्या ए सी इक्वल टू डी बी या बी डी आप कह लीजिए बाय सीपीसीटी, ये हमें जरूरत पड़ने वाली है नेक्स्ट में, तो हमने ये यहाँ लिख लिया सीपीसीटी से, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉम्पोनेंट है तो सीपीसीटी से हम ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो अब हम ये हो गया स्टूडेंट सेकंड पार्ट हो चुका है आपका, ये 90 हो गया सेकंड पार्ट आपका हो गया, ये वाला सेकंड हो गया। अच्छा अब बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, डी बी सी कॉम्पोनेंट ए सी बी कॉम्पोनेंट, डी बी सी डी बी सी ए सी बी के कॉम्पोनेंट करना, तो इन्हीं ट्राइंगल्स में वर्क करना शुरू कीजिए। इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, डी बी सी और ए बी सी में, डी बी सी और ए बी सी ए सी बी में वर्क करने जा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए एंगल या तो ये कहिए ए सी इक्वल टू डी बी, ये क्या है स्टूडेंट प्रूव किया आपने, और ए सी बी एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी, डी बी सी ईच 90 डिग्री है, ये भी 90 है ये भी 90 है, और बी सी इक्वल टू क्या है स्टूडेंट बी सी के, ये कॉमन हुआ। तो स्टूडेंट थ्री पार्ट्स इक्वल आ चुके हैं, एस ए एस से आप इन दोनों को काउंट लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल वही लेंगे जो उन्होंने कहा है, डी बी सी ले लीजिए ट्राइंगल, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी, ये लिखने के बाद एक बार करस्पोंडेंस से चेक जरूर कर लीजिए स्टूडेंट, कहीं गलत तो नहीं लिखा गया, डी बी का डी बी ए सी के इक्वल है क्या, डी बी डी बी बिल्कुल ए सी के इक्वल है क्या, बी सी सी बी के इक्वल है, बी सी सी बी के बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो जाता है, थर्ड पार्ट हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ आपका थर्ड हो गया आपका, अभी फोर्थ पार्ट बाकी है, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम
इक्वल टू हाफ ए बी हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करने के बाद अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू बी सी देखिए कर सकते हैं कि नहीं, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी। ये जब आपने स्टूडेंट ये कमेंट कर दिए तो आप ए बी इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया स्टूडेंट आपने, और हमें प्रूव क्या करना है, सी एम ये वाला सी एम हाफ ए बी, ठीक है स्टूडेंट। तो ए बी इक्वल टू आप डी सी को ब्रेक कर लीजिए, डी एम इक्वल टू एम सी, डी एम इक्वल टू एम सी या सी एम कह लीजिए एक ही बात है, बट डी एम इक्वल टू सी एम ये तो क्या है स्टूडेंट, गिवन है पहले से, ये पहले से देख लो स्टूडेंट, ये यहाँ डी एम इक्वल टू सी एम क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ डी एम की बजाय क्या लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू सी एम प्लस सी एम, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, टू सी एम, ये टू डिवाइड में चला जाएगा, सी एम इक्वल टू कितना हो गया हाफ ए बी, ये आपका हो चुका स्टूडेंट। ऑल फिफ्थ ऑल फोर्थ पार्ट आपके ये हो चुके हैं, ये आपका फोर्थ पार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।